सिटी फूड का हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और आज हम आए हैं थापा मोमोज पे। मोमोज तो हमने ऑलरेडी यहाँ के ट्राई किए हुए, पर आज हम ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ का पनीर टिक्का। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं पनीर टिक्का की मेकिंग और टेस्ट करके बताते कि वो कैसा है। देख सकते हैं हमने ऑर्डर किए हैं पनीर टिक्का और सिकने जा रहा है तंदूर में। जब तक हमारा पनीर सिक रहा है तब तक भैया कट कर रहे अनियन, और जब तक हमारे अनियन कट हुए हैं तब तक सिक के आ चुका है हमारा पनीर। और भैया इसमें डाल रहे क्रीम और चटनी और अपने कुछ भी मसाले जो उनके स्पेशल हैं, ये है चाट मसाला। और आप देख सकते हैं भैया ने अमूल का क्रीम यूज़ किया हुआ है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद भैया इसको फिर से एक बार डाल रहे तंदूर में, ताकि इसमें थोड़ा स्मोकी सा अच्छा फ्लेवर आ पाए। और थोड़ी देर इसको फिर से तंदूर में रखने के बाद अभी आ गए प्लेट में और अब हम इसे जाएंगे खाने। मैंने बस इसे क्या वेट कर दी, जब कोई चीज़ बन रही होती तो मुँह में पानी आने लगता है। कैसा? ऊंचा बोलो, ऊंचा। हेल्दी सही है, खाओ फिर। मैं भी आ जाऊँ फिर। सो हो गया हमारा पनीर टिक्का रेडी और इसे तो टेस्ट भी कर लिया एज ऑलवेज सबसे पहले। और मैं अभी रह गया हूँ तो मैं भी टेस्ट करके आपको बता दूँ ये कैसा बना है। बहुत बढ़िया, लेकिन जो तूने बताया वही चीज़ मुझे भी नमक ज़्यादा है, बाकी तो बहुत। तो अपना पनीर टिक्का खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर और पनीर टिक्का बहुत अच्छा था। हम काफ़ी बार वहां से खाते हैं मोमोज और पनीर टिक्का वगैरह। मोमोज हम ज़्यादा खाते हैं, बट हमने सोचा क्यों ना आज पनीर टिक्का ट्राई किया जाए। और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा पनीर टिक्के के साथ भी। मोमोज तो हमें अच्छे लगते ही थे, बट पनीर टिक्का भी बहुत अच्छा है। और जिसका प्राइस था, जो पूरी सीख आपने देखी होगी बनते हुए, पूरी थी 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। बहुत बड़े बड़े पनीर के पीसेज हैं जो दो लोगों के लिए बहुत ही सफिशियंट हैं। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में। और लोकेशन और प्राइस, मैं प्राइस तो बताई दी है, लोकेशन भी बताई देती हूँ। लोकेशन है मंगलम टावर डीडीपुरम के सामने। बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगते हैं, उनमें से सेकेंड नंबर पर। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।